तो खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको भोपाल से बता देते हैं, यूथ कांग्रेस चुनाव में मचा घमासान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की अब्राहम रॉय को दी दो टूक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चुनाव लड़ना है तो देना होगा इंटरव्यू और गलत बयान देना पड़ेगा भारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, गलत बयान देना यहां भारी पर पड़ेगा और यूथ कांग्रेस चुनाव में ये घमासान मचा हुआ है। स्क्रीनिंग कमेटी के अब्राहम रॉय की दो टूक और चुनाव लड़ना है तो देना होगा इंटरव्यू, गलत बयान देना भारी पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें यहां बदली हैं और एक बड़ा ऐलान हुआ है यूथ कांग्रेस की तरफ से। यूथ कांग्रेस चुनाव में घमासान मचा हुआ है और स्क्रीनिंग कमेटी के अब्राहम रॉय की दो टूक, चुनाव लड़ना है तो देना होगा इंटरव्यू। आपको बता दें, गलत बयान देना भारी पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मध्य प्रदेश हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाई स्कूल की परीक्षाएं 3 मार्च से शुरू होंगी। आपको बता दें कि इस साल करीब 9 लाख स्टूडेंट 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। 12वीं क्लास और 10वीं क्लास का पहला पेपर संस्कृत का होगा। जनरल और वोकेशनल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के एग्जाम एक ही शिफ्ट में आयोजित किए जाएंगे। दिव्यांग स्टूडेंट्स की परीक्षाएं दोपहर की पाली में 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित की जाएंगी। प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट mpvse.nic.in पर है। और आज से, आज 2 मार्च को हायर सेकेंडरी में विशिष्ट हिंदी से अपने हायर सेकेंडरी बोर्ड की शुरुआत हुई है और इस केंद्र पर 443 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं और हमने स्टूडेंट्स को 8:30 पर एंट्री दी और आगे 10-15 मिनट तक बच्चे आते रहे और 8:50 से 2 मिनट पहले 8:50 पर ही हमने बच्चों को कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और 8:55 पर क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ पर केंद्र पर पूरी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा के लिए भी गार्ड हैं और बच्चों के लिए पानी की और मेडिसिन की पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पर की है और बच्चे जो है अच्छे वातावरण में यहाँ पर परीक्षा दे रहे हैं। ट्रक का तेज हॉर्न सुनकर हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन भोपाल शहर के एक ट्रक ड्राइवर के हॉर्न बजाने के अंदाज को देख आप भी बोल उठेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए, ट्रक के तेज हॉर्न सुनकर हर कोई परेशान हो जाता है, लेकिन भोपाल शहर के एक ट्रक ड्राइवर के हॉर्न बजाने के अंदाज को देख आप वाह बोल उठेंगे। सोशल मीडिया पर ट्रक ड्राइवर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ट्रक के हॉर्न से एक्टर धर्मेंद्र पर फिल्माया गाना मैं जट यमला पगला दीवाना बजाता है। वीडियो में इसके बाद रास्ते में बैठे लोग उसे रोक लेते हैं और एक बार फिर वैसे ही हॉर्न बजाने के लिए एक बार और कहते दिखाई पड़ते हैं। ट्रक ड्राइवर लोगों की फरमाइश पर फिर से मैं जट यमला पगला दीवाना गाना बजाता है। लोग वाह वाह कहने लगते हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक शहर के फतेहगढ़ इलाके में ट्रैफिक की वजह से फंस गया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया।
और नई आबकारी नीति पर बार पलटवार का दौर जारी है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट में देखिए। एमपी में नई आबकारी नीति पर वार पलटवार, शिवराज का कमलनाथ सरकार पर प्रहार। ट्वीट कर शिवराज ने जमकर कोसा, कहा बापू की आत्मा आज कराह रही होगी। नई आबकारी नीति पर वार पलटवार का दौर जारी है। एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि बापू की आत्मा आज कराह रही होगी। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा है। बता दें, मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति को लागू किया है, जिसे लेकर ही विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि आज महात्मा गांधी बापू की आत्मा करा रही होगी, क्योंकि जिसने पूरा जीवन नशा मुक्ति के प्रयास के लिए निकाल दिया, उन्हीं के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी आज उनके विचारों की हत्या कर रही है। हे राम, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आत्मा आज असीम पीड़ा से करा रही होगी। बापू नशा मुक्ति के लिए आजीवन प्रयास करते रहे और उनके नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी आज उनके विचारों की ऐसी हत्या कर रही है, कुछ तो शर्म करो सरकार। नई आबकारी नीति के तहत आबकारी विभाग ने 2020-21 के लिए रणनीति तैयार की है, जिसमें प्रदेश के 36 जिलों में मौजूदा देशी और अंग्रेजी मदिरा के फुटकर विक्रेताओं को राहत दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें नई नीति में रियायत दी जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। भोपाल में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस की प्राथमिकताएं चुनाव से शुरू होती हैं और चुनाव पर ही खत्म हो जाती हैं। कांग्रेस की प्रदेश सरकार को किसानों से मतलब नहीं है, ये हमेशा किसानों के बीच झूठी बातें करते हैं। 2 लाख तक का किसानों का कर्ज आज तक माफ नहीं किया है और रोजगार भी नहीं दिया। विधानसभा का सत्र सन्निकट है, सत्र के संबंध में व्यक्ति से चर्चा, प्रदेश में अतिवृष्टि ओलावृष्टि, किसान को छला जाना ठगा जाना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, इन विषयों पर व्यक्ति से विधायक सम्मानियों से चर्चा, राज्यसभा का चुनाव सन्निकट है, उसको लेकर भी माननीय विधायकों से चर्चा के संबंध में आज की बैठक है। और रायसेन कलेक्टर के निर्देश पर सिलवानी नायब तहसीलदार कविराज मेहरा, फूड इंस्पेक्टर संगीता वंजारी ने राजस्व अमले के साथ मिलकर पेट्रोल टैंक पर कार्रवाई करते हुए मैसर ससोना ऑटो पेट्रोल पंप को 6 माह के लिए सील कर दिया गया। बता दें कि पेट्रोल टैंक पर भारी अनियमितताओं के चलते ये प्रशासन ने कार्रवाई की है। हरदा जिले में अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, साथ ही कॉलोनाइजर खुद ही अपने एजेंट के माध्यम से लोगों को अपने घर का सपना दिखाकर प्लॉट प्लेट और डुप्लीकेट बनाकर बेच रहे हैं। लेकिन ये मामला सुविधाओं के नाम पर पैसे तो वसूल लेते हैं पर ग्राहक को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं देते, जिसके चलते कुछ लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कॉलोनीनाइजर को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार किया है, साथ ही पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट गई है। इन दोनों ने कॉलोनी काटी थी रॉयल सिटी, यहाँ पर थाना सिविल लाइन के अंतर्गत, तो वहाँ पर कुछ लोगों के साथ अनुबंध किए थे और जैसे शुरू में पेशगी ले लेते हैं और उसके बाद उनकी रजिस्ट्री ना कराना, इस तरह की शिकायतें मेरे पास आई थी, तो एक आवेदक के शिकायत पर से मैंने 420 का अपराध पंजीबद्ध कराया।
और भोपाल के सिंगरौली जिले के बैड़न थाना क्षेत्र के गनियारी बीजपुर रोड में कचरा प्लांट के पास एक बड़ी दुर्घटना घटी, जिसमें कोयला ट्रांसपोर्ट करने वाली दो ट्रेनों की भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन के परखच्चे उड़ गए। जानकारी के अनुसार ट्रेन के इंजन में ट्रेन के चालक सहित कुल 3 लोग थे, जिनकी ट्रेन के अंदर हुई टक्कर से मौत हो गई। रेस्क्यू के उपरांत ट्रेन के इंजन को गैस कटर की मदद से काटने के बाद 3 शव निकाले गए। पुलिस और प्रशासन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है। फिलहाल अभी पुलिस एनटीपीसी और सीआईएसएफ के लोगों के द्वारा मृत्यु हुए व्यक्तियों के परिजनों के साथ वार्ता कर रही है। परिजनों का आरोप है कि सिग्नल देने वाले व्यक्ति की गलती से यह बड़ा हादसा हुआ, मेरे परिवार के व्यक्ति की मौत हो गई और एनटीपीसी प्रबंधन ने इन लोगों से नौकरी बा समुचित मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। एनटीपीसी के का एक रैक जो अमलोरी परियोजना से रिहंद के लिए कोयला लोड करके जा रहा था, दूसरा रैक रिहंद से खाली अमलोरी परियोजना की तरफ जा रहा था। तो 4:30 बजे के आसपास जो भरा हुआ रैक था उसने खाली रैक पर आकर के टक्कर मार दिया और खाली रैक का इंजन आगे निकल चुका था, कुछ डिब्बे उसके निकल चुके थे तथा कुछ डिब्बे शेष थे। ऐसी स्थिति में जो भरा हुआ रैक था उसका लोको पायलट, सहायक लोको पायलट का नाम रशीद अहमद है, सहायक लोको पायलट का नाम मनदीप है और जो पॉइंट्समैन है लक्षणधारी, तीनों लोगों की इस हादसे राम लक्ष्मण सारी तो तीनों लोगों की इस हादसे में दुखद मौत हो गई है। और विदिशा के लटेरी क्षेत्र में आए दिन बाइक चोरी की घटना सामने आने को लेकर अब लटेरी पुलिस सख्त नजर आ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और निर्देशन में लटेरी पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू किया है। चेकिंग अभियान के दौरान लटेरी पुलिस ने 11 वाहनों पर चालान की कार्रवाई की है। वहीं पुलिस का कहना है कि चेकिंग अभियान अब लगातार जारी रहेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हों। इससे क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कम होंगी। गौरतलब है कि क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर लटेरी पुलिस ने मकसूदनगढ़ रोड पर वाहन चेकिंग अभियान की शुरुआत की। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। और मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के माधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खेतौली गेट में ड्राइवर की लापरवाही से पर्यटकों से भरी जिप्सी पलट गई, जिसमें 4 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं और 2 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों की माने तो खेतौली जोन में बरहा तालाब के पास टाइगर दिखाने की होड़ में पर्यटक सहित पार्क में अचानक पलटकर खाई में गिर गई। क्षेत्र अधिकारी पर्यटन द्वारा अभी मुझे सूचित किया गया है कि एक पर्यटक वाहन जिप्सी जो था कुछ पर्यटकों को लेकर जा रहा था वो पलट गया है। कारणों का भी पता नहीं चला है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि 3 पर्यटक संभवतः उसमें घायल हुए हैं और परिषद अधिकारी पर्यटन को अभी मौके पर भेजा गया है और उनसे कहा गया है कि इन कारणों की जांच करें और जांच करके प्रतिवेदन दें। 3 दिनों से शोपीस बना हुआ है जिसका कारण शव वाहन की बैटरी चोरी होना है। दरअसल जब से जिला अस्पताल का प्रबंधन सिविल सर्जन हिमांशु शर्मा के हाथ में आया है, उन्होंने व्यवस्थाओं को काफी हद तक सुधारा है। बावजूद इसके जैसे ही सिविल सर्जन हिमांशु आवश्यक कार्य से जिला अस्पताल से बाहर आ जाते हैं या अवकाश पर होते हैं तो व्यवस्थाएं
डगमगा जाती हैं। हालत ये है कि जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों से शव वाहन बंद पड़ा हुआ है। खुद सिविल सर्जन हिमांशु शर्मा ने बताया कि जैसे ही मैं छुट्टी पर गया वैसे ही शव वाहन की बैटरी चोरी हो गई। इसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज करा दी गई है। यदि चोर के बारे में पता चलता है तो नामजद रिपोर्ट कराकर कार्यवाही की जाएगी। काफ़ी दिनों से वाकई अस्पताल में नहीं था और यहाँ पे मध्य प्रदेश में उपलब्ध भी नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ी समस्या है जो भी इंजेक्शन मंगाए वो राजस्थान और गुजरात से कलेक्ट होके आए हैं जी। तो सर ये इंजेक्शन कब तक अवेलेबल हुआ है कुछ आइडिया? ये एक दफे तक अवेलेबल हो गए, अभी दोबारा ख़त्म हो गए हैं। अच्छा जी, हाँ आ गए थे अभी दोबारा ख़त्म हो गए। सर सब वाहन काफ़ी दिनों से खराब पड़ा हुआ है? काफी दिनों से खराब नहीं, 3 दिन से केवल। 3 दिन में उसकी बैटरी चोरी करके ले गया कोई। तो कंप्लेंट की इसकी? हाँ, इसकी कंप्लेंट लिखवा दी है और जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस तरीके से तो मैं जैसे ही 1 या 2 दिन की छुट्टी जाता हूँ उसी में ऐसी हरकतें होती हैं। राजधानी भोपाल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। दरअसल एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ बलात्कार कर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं पुलिस ने 24 घंटे के उपरांत बच्ची के मृत अवस्था में शव को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। वहीं भोपाल शहर के DIG इरशाद वली ने पुलिस के सराहनीय काम को इनाम के रूप में पुरस्कृत किया है। और मंडला के हृदय नगर से ग्राम टिकरवारा के बीच बंजर नदी है जिसमें जनपद पंचायत मंडला द्वारा कच्चा पुल का निर्माण कराया गया है, जिसमें विगत दिन पहले कच्चे पुल पार करते समय 2 पशु की बह जाने से मौत हो गई। पानी के अधिक बहाव के कारण कच्चा पुल बह गया है और ग्रामीण छोटी नाव से आना जाना कर रहे हैं। वहीं रात के समय एक व्यक्ति नदी को पार करते हुए टूटे हुए पुल से गिर गया जिससे युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि विगत 24 फरवरी को अधिक बारिश होने के कारण नदी का जल स्तर बढ़ गया है जिससे कच्चा पुल बह गया और जिम्मेदार जनपद पंचायत के अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरें। आप देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। सारथी
तो ब्रेक के बाद हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का पैमाना सुधारने का बयाद शुरू हो चुकी है। बालोद जिले के ग्राम कंचदूर से स्वच्छ भारत मिशन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की शुरुआत हो गई है। जनपद पंचायत गुंडरदेही के 20 वार्ड वाले ग्राम पंचायत कचानदूर को मॉडल पंचायत बनाने के लिए और महात्मा गांधी के सपने स्वच्छ भारत के मिशन को साकार करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। ग्राम कचानदूर के 12 महिलाओं की स्वच्छता ग्राही के रूप में सम्मानित किया गया और स्वच्छता संबंधित उपकरण प्रदान किए गए, जिसमें 3 ट्राईसाइकिल, 19 स्टविन, 3 बेलचा, 10 टब, 3 फावड़ा, बाल्टी, मग, तराजू, स्केल के अलावा ड्रेस कोड में भी कैब मास्क, साड़ी सिटी एवं जूता भी शासन की ओर से प्रदान किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कचानून के स्वच्छता ग्राही सप्ताह में 2 दिन सूखा कचरा, गीला कचरा अलग अलग रूप से एकत्रित करेंगे, जिससे स्वच्छता ग्राही को रोजगार मिलेगा और ग्राम पंचायत को सूखा कचरा, गीला कचरा से आय प्रदान होगा और मॉडल पंचायत बनाने का उद्देश्य भी पूर्ण होगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अभी फिलहाल प्रथम चरण में 80 ग्राम पंचायत को लिया गया है और जहां जो है डोर टू डोर कचरा कलेक्शन और उनका सेग्रीगेशन ये किया जाएगा और आगे चल के बालोद जिले के समस्त ग्राम पंचायतों को इस योजना के तहत लिया जाएगा। अब बालोद जिला मुख्यालय के दशोंदी तालाब स्थित अजलेश्वर महादेव में इन दिनों पुण्यवर्धन उत्सव मंत्र अर्पण महोत्सव के चलते स्थल सहित समूचे क्षेत्र में धार्मिक वातावरण बना हुआ है। विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रभुभाव स्वरूप लिखे गए लगभग 3 करोड़ मंत्र ओम नमो शिवाय का जलधरी में अर्पण कर अपने परिवार और राज्य के सुख समृद्धि का कामना कर रहे हैं। ये सभी मंत्र यहाँ भक्तों के द्वारा पूरे साल भर में लिखा गया है, जिसका अभी अर्पण किया जा रहा है। आयोजन स्थल में जहाँ धार्मिक भावना जागृत हो रही है, वहीं यहाँ पर्यावरण संरक्षण को भी लेकर बेहतर संदेश दिया जा रहा है। यह हर साल 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पिछले 8 सालों से अपने हाथों से लिखे 30 करोड़ से अधिक मंत्र ओम नमः शिवाय का जलाधरी से अर्पण किया जा चुका है। तालाब के बीचों बीच स्थित जलेश्वर महादेव के प्रति लोगों की अटूट आस्था बनी हुई है। बता दें कि 4 जुलाई 2012 से यहां भक्तों के द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन का कार्य अनवरत है। अब तक 30 करोड़ से भी अधिक मंत्र लिखे जा चुके हैं। विगत 8 वर्षों से दशोंदी तालाब में लगातार भक्तों के द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र लेखन का लेखन किया जा रहा है। इन मंत्रों को वर्ष में प्रत्येक वर्ष 1 मार्च को भगवान को अर्पण करते हैं और ये 4 दिवसीय कार्यक्रम रहता है, जिसमें सारी कापियों का पूजन और उसके पश्चात भगवान पर अर्पण है। और इसी के साथ हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।